Assalamualaikum, PSXK Shino, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और वीकेंड आला गुजर रहा होगा। जी मैं हूँ मीर और मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ PSX ट्रेनिंग सेशंस और ये है हमारा सेशन नंबर ए। जी इस सेशन के अंदर हम सीखने के लिए जा रहे हैं प्रैक्टिकल चार्ट्स में किस तरह से इंडिकेटर्स को अप्लाई किया जाता है, किस तरह से इंडिकेटर्स को यूज किया जाता है। और जो इंडिकेटर आज हम सीखने के लिए जा रहे हैं उसका नाम है मूविंग एवरेज। जी इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा मूविंग एवरेज के क्या काम होता है, क्या जॉब होती है मूविंग एवरेज की, आपकी ट्रेड्स किस तरह से अच्छी हो सकती हैं। आपको देने जा रहा हूं मैं आज दो स्ट्रेटजीज। जी बिल्कुल, आज मैं मूविंग एवरेज की थ्रू आपको दूंगा दो स्ट्रेटजीज। एक स्ट्रेटजी है इंट्राडे वालों के लिए और दूसरी स्ट्रेटजी है स्विंग ट्रेड वालों के लिए। जी स्विंग ट्रेड वालों, आज आप खुश हो जाइए, बहुत दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी कि स्विंग ट्रेड के लिए कोई स्ट्रेटजी दें, कोई स्विंग ट्रेड के लिए बताइए, तो आज ये स्पेशली आपके लिए एक स्ट्रेटजी देने के लिए जा रहा हूँ। तो बने रहिएगा वीडियो में। तो मेन स्क्रीन में जाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब करें और लाइक कीजिएगा वीडियो अगर ये पसंद आती है आपको, और लाजमी इसे शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, स्पेशली PSX के फ्रेंड्स के साथ, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सीखने का मौका मिले और वो सीख के अपनी ट्रेड्स को अच्छा बना सके, अपनी ट्रेड से अर्निंग कर सके। और मोटो तो आपको याद ही है हमारा। जी हमारा मोटो है फर्स्ट लर्न देन अर्न। जी वेलकम टू द ट्रेनिंग स्क्रीन। चले अब हम अपने चार्ट्स की तरफ मूव करते हैं। देखें मैं जो यूज करता हूँ SCS ट्रेड चार्ट यूज करता हूँ। आपने गूगल में ये लिखना है और आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा, इस पे आपने क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी और वो है चार्ट ओपन हो जाएगा। एक्चुअली तो ये विंडो के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियो में, तो आप मेरी वो प्रीवियस वीडियो प्राइस एक्शन की वीडियो देख सकते हैं। तो हम डायरेक्टली हम आइटम सेलेक्ट करते हैं। जी सबका फेवरेट, आजकल सब हॉट टॉपिक सबका यही होता है, जी TRG। चलें जी हम TRG को सेलेक्ट करते हैं तो TRG का चार्ट इस तरह से ओपन हो जाएगा। ये तो आपको पता है सारी कैंडल्स हैं। ओके तो ये हमने यहाँ पर लिखा सिंबल्स या जो स्क्रिप्ट है वो लिखा हमने। उसके बाद ये टाइम फ्रेम होता है, किसी भी चार्ट का टाइम फ्रेम हमें बताना पड़ता है। टाइम फ्रेम में आता है 1 मिनट का, 15 मिनट का, 5 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर, 1 डे, तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर वक्त हम क्योंकि जस्ट हम अपनी किस तरह से इंडिकेटर अप्लाई करते हैं हम ये चेक कर रहे हैं, तो 1 डे हम कर लेते हैं सेलेक्ट। उसके बाद से ये यहाँ आना है इंडिकेटर्स, ठीक है। यहाँ आपने क्लिक करना है, यहाँ जैसे आप क्लिक करेंगे आपके पास एक लिस्ट आ जाएगी पूरी इंडिकेटर्स की, आपने कौन सा सिलेक्ट करना है। जी हम काम करने वाले हैं मूविंग एवरेज पे, तो आपने मूविंग लिखना है। जैसे आप मूविंग लिखेंगे तो एक लिस्ट आ जाएगी मूविंग एवरेजेस की, तो इतने सारे झंझट में नहीं पड़ना, हमने इतनी सारी लिस्ट नहीं देखनी, हमने सिंपल हमने मूविंग एवरेज को सिलेक्ट करना है। ये मूविंग एवरेज देखिए, ये इसको सिलेक्ट करना है, हम इसको सिलेक्ट करेंगे। हमने जैसे ही इसको सिलेक्ट किया तो ये आपके चार्ट पे क्या हुआ, क्या हुआ आपके चार्ट पे, अब कैंडल्स के साथ एक ये लाइन आ गई। जी ये देखें ये लाइन आ गई आपके चार्ट पे, आ गई ये लाइन। जी तो यही है मूविंग एवरेज, ठीक। अब मूविंग एवरेज अगर आप बोलेंगे यार कि आप बताएं मूविंग एवरेज की डेफिनेशन क्या है, इसका फॉर्मुलेशन क्या है, तो यार इतनी डिटेल में जाने की हमें जरूरत है? डू यू थिंक दैट कि हमें इतनी डिटेल्स में जानी चाहिए? कोई हम कोई मास्टर्स का कोई एग्जाम देने वाले हैं या हमारा कोई पेपर होने वाला है नेक्स्ट डे? नो, हमें तो ये पता चलना चाहिए कि इसका पर्पज क्या है, इस इंडिकेटर का पर्पज क्या है, ये क्या करता है हमारे लिए, क्या इंडिकेट करता है, कौन से सिग्नल देता है एक्चुअली। तो हमें क्या चाहिए, हमें तो भाई बाइंग सिग्नल चाहिए या फिर सेल का सिग्नल चाहिए, हमें तो ये दो ही सिग्नल चाहिए कोई भी इंडिकेटर यूज करें, लेकिन उस सिग्नल की ऑथेंटिकेशन क्या है ये अभी हम चेक करेंगे। तो हाँ ये जरूर हम मैं आपको बताऊंगा कि इसका पर्पस क्या है, ठीक। तो प्राइस एक्शन की अगर आगे किसी ने वीडियो देखी होगी मेरी, तो प्राइस एक्शन के अंदर हमने डिस्कस किया था कि भाई ये एक ट्रेंड लाइन होती है, ठीक है, ट्रेंड लाइन हो गई। ओके इस ट्रेंड लाइन का हमने डिस्कस किया था और बताया था मैंने आपको कि जी ओके ये ले लेते हैं हम। ओके ट्रेंड लाइन में जब भी कोई चीज नीचे से आएगी और इस ट्रेंड लाइन को टच करेगी, जब भी प्राइस नीचे से ट्रेंड लाइन को
हिट करती है तो हम क्या कहते हैं कि ये ट्रेंड लाइन क्या कर रही है, ये ट्रेंड लाइन उसको जो है वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है, रेजिस्ट कर रही है, रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है। और जब भी प्राइस ऊपर से नीचे ट्रेंड लाइन को हिट करती है तो हम क्या कहते हैं, जब भी प्राइस ट्रेंड लाइन को ऊपर से हिट करती है तो हम क्या कहते हैं कि ये ट्रेंड लाइन उस प्राइस को सपोर्ट दे रही है। तो सेम मूविंग एवरेज का क्या काम है मेरे भाई, मूविंग एवरेज का भी यही काम है। अब मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूं, देखो क्या हो रहा है, देखो आप क्या कर रहा है भाई, ये देख रहे हो ये प्राइस को ये क्या कर रहा है, नीचे से ये ऊपर से ये जो लाइन है, ये जो लाइन है हिट हो रही है, ऊपर से हिट हो रही है। तो इसका क्या मतलब है कि ये क्या कर रहा है, ये सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है प्राइस को। ओके अब आप आ जाइए, ये देख रहे हो ये नीचे से हिट कर रही है, ये नीचे से हिट कर रही है, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो ये जो है प्राइस जो है वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है। ओके जी, तो सिंपल सी बात, यानी ये बात आसानी से समझ जाए कि मेरे ख्याल में आसानी से समझ में आ जानी चाहिए कि ये भी ट्रेंड लाइन का ही काम कर रही होती है मूविंग एवरेज। लेकिन अब डिफरेंस क्या है, जो हमने ट्रेंड लाइन लगाई थी और ये जो मूविंग एवरेज है इसमें डिफरेंस क्या है, वेरी गुड गुड क्वेश्चन। जो ट्रेंड लाइन जब हम लगाते हैं, कोई भी हम ट्रेंड लाइन लगाते हैं, वो तो क्या होती है, वो क्या होती है हमारी स्टैटिक लाइन होती है। मतलब जब हमने लगा दी तो बस क्लास स्टैटिक हो गई, स्टैटिक मतलब आप उसको मूव नहीं कर सकते, वो मूव नहीं हो सकती, हिल नहीं सकती अपनी जगह से, बस फिक्स हो जाती है तो फिक्स हो जाती है। लेकिन लेकिन जो मूविंग एवरेज की जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रही होती है, जो मूविंग एवरेज की जो लाइन है वो बेसिकली होती है हमारी डायनामिक लाइन। डायनामिक लाइन का मतलब समझते हैं, डायनामिक मतलब वो प्राइस एक्शन के साथ मूव करती है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेंड लाइन और मूविंग एवरेज की लाइन। तो हमें क्या पता चला कि जो मूविंग एवरेज है वो बेसिकली उसकी जो लाइन है वो हमें डायनामिक सपोर्ट कर रही होती है, यानी डायनामिकली जो है वो बन रही होती है लाइन, हमें बनाने की जरूरत नहीं है। इसीलिए हम क्या करते हैं, बस हमें उसमें क्या देना है, हमें क्या देना है, क्या करना पड़ता है उसमें, तो हम देखते हैं यहाँ पर। आइए देखिए, जब हमने मूविंग एवरेज सेलेक्ट किया तो इस तरह से आ गया होगा MA9, राइट। तो यहाँ आइए, तो अगर हमें नहीं देखना है तो हम इसको बंद कर देंगे, तो देखो यहाँ से लाइन चले गई आपके चार्ट पे से। अगर इसको ओपन कर देंगे तो देखें हाइड अनहाइड हो जाता है यहाँ से। यहाँ आइए, तो ये क्या है, सेटिंग्स को अगर आप क्लिक करेंगे तो आप देखिए ये पूछ रहा है लेंथ, बाकी चीजें हमें कुछ भी नहीं करनी। स्टाइल, स्टाइल में अगर जाके आप कलर वगैरह चेंज करना चाहते हो तो ओके, इट्स डिपेंड ऑन यू। लेकिन यहाँ आके आपने सिर्फ लेंथ को चेंज करना है। अब लेंथ का क्या मतलब है, देखते हैं क्या होता है। अगर मैं यहाँ पर लेंथ को मैं कर देता हूँ 50, देखें क्या हुआ, लाइन थोड़ी सी प्राइस से दूर चले गई, राइट। दिख रहा है सबको ये लाइन जो है वो, ये जो लाइन है ये प्राइस से दूर चले गई। ओके जी, अब मैं इसको करता हूँ 20, क्या होता है, लाइन प्राइस के साथ चले गई। ओके, मैं इसको 100 करता हूँ, क्या होता है, लाइन दोबारा स्ट्रेट हो गई है और प्राइस से थोड़ी सी दूर चले गई है। अच्छा जी, मैं इसको जो है वो करता हूँ 21 करता हूँ, क्या होता है, देखें लाइन प्राइस के करीब चले गए दोबारा। मैं इसको 200 करता हूँ तो क्या होता है, देखें लाइन दोबारा। तो एक्चुअली ये क्या हो रहा है कि आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि जहां लेंथ कम करेंगे तो मूविंग एवरेज की जो लाइन है वो प्राइस के साथ हो जाएगी, और जहां हम लेंथ को ज्यादा करेंगे तो मूविंग एवरेज क्या करेगा, मूविंग एवरेज की जो लाइन है वो प्राइस से दूर हो जाएगी। तो ये याद रखिएगा, लोग कलर समझा देते हैं कि यार मूविंग एवरेज ये लगा दो तो इसका कलर ब्लू होना चाहिए, इसका ब्लैक होना चाहिए, इसका ये होना चाहिए, इसका वो होना चाहिए। तो हमें ये बात सिर्फ और सिर्फ ये याद रखना है कि जब भी मूविंग एवरेज की लेंथ कम होगी तो वो प्राइस के साथ होगी, जब भी मूविंग एवरेज की लेंथ ज्यादा होगी वो प्राइस से थोड़ी दूर होगी, ठीक है। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी। तो बेसिकली अब ये लेंथ क्या चीज है, क्वेश्चन आएगा ये लेंथ क्या है, यार लेंथ कुछ भी नहीं है, 20 का मतलब ये है कि 20 कैंडल्स, ठीक है, 20 का क्या मतलब है, 20 कैंडल्स।
जब हम डी के बात करेंगे, डी का मतलब हो गया 20 कैंडल्स का मतलब हो गया 20 डेज। ओके, जब हम इसके टाइम फ्रेम को चेंज करेंगे, हम टाइम फ्रेम को 15 मिनट कर देते हैं, तो इसका मतलब 20 कैंडल्स की मूविंग एवरेज ले लेंगे। यहां से जितनी भी 20 कैंडल्स बनेगी, यहां से कितनी भी 20 कैंडल्स होगी उसको काउंट करेंगे तो उसकी मूविंग एवरेज बता देगा। यानी कि उस बेसिकली लाइन क्या क्रिएट करती है, ये लाइन क्या होती है, सिंपल वर्ड्स में समझा रहा हूं कि 20 कैंडल्स की जो क्लोजिंग प्राइस है उसकी एवरेज पे ये लाइन क्रिएट होती है, ये लाइन बनती है। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है। तो जब टाइम फ्रेम चेंज करेंगे तो उसके हिसाब से हमें ये पता चलता जाएगा। अब मेरे ख्याल में मूविंग एवरेज की ये यहां तक के तो बात समझ में आ गई होगी, अच्छे तरीके से आ गई होगी और इसमें कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो मूविंग एवरेज क्या प्रोवाइड कर रहा है, एक्चुअली हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस ही प्रोवाइड कर रहा होता है, लेकिन वो डायनामिकली होता है और बेसिस ऑफ जो क्लोजिंग प्राइसेस होती हैं, जो भी आइटम की जो क्लोजिंग प्राइसेस होती हैं, नंबर ऑफ जो आप लेंथ बताते हो, ठीक है, नंबर ऑफ लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है कि मूविंग एवरेज कितनी काउंट करनी है, उसने क्या कैलकुलेट करना है। तो कोई बोलता है MA9, कोई बोलता है MA20, कोई बोलता है MA50, कोई बोलता है MA100। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें हम अप्लाई करके देखते हैं, तीन तीन एवरेज अप्लाई कर देते हैं। एक तो कर दी है, एक और हम कर देते हैं, मूविंग एवरेज। ओके, इसकी सेटिंग में जाते हैं, पहले इसकी सेटिंग में जाते हैं, इसको हम करते हैं जी मूविंग एवरेज, हम इसको कर देते हैं 20। ओके ओके जी 20, इसको हम कर देते हैं 50। ओके, देखो इक्वल लाइन बन गई 50 की। एक और हम डाल देते हैं मूविंग एवरेज, और इसकी सेटिंग में आते हैं, उसकी लेंथ हम डिफाइन कर देते हैं 100। ओके, अब मुझे कोई बताए कि जो सबसे करीब वाली लाइन वो कौन सी लाइन है, अभी समझाया था आपको थोड़ी देर पहले, वो है हमारी मूविंग एवरेज 20। जितनी लेंथ कम करेंगे वो प्राइस के साथ इतनी ज्वाइन हो जाएगी, जितनी लेंथ बढ़ाते रहेंगे वो प्राइस के साथ दूर होती जाएगी। 50 की देखें कौन सी वाली है, 50 वाली ये वाली है जो थोड़ी सी दूर है। 100 कौन सी है, जो प्राइस से ज्यादा दूर है। अब वो ऊपर भी हो सकती है और नीचे भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन हमने ये बात याद रखनी कि जो प्राइस के साथ चल रही है, बिल्कुल अटैच होकर चल रही होती है, वो कम से कम लेंथ जो हम डिफाइन करते हैं वो होती है। ठीक है, तो जी शाइनो, तो आपको सिंपल मूविंग एवरेज तो समझ में आ गई होगी कि SMA किस तरह से इंडिकेट करता है, SMA इंडिकेटर किस तरीके से अप्लाई करते हैं, उसका क्या पर्पस होता है। तो अब हम समझते हैं कि EMA क्या चीज होती है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और SMA में डिफरेंस क्या है, SMA और EMA में क्या डिफरेंस है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है एक्चुअली। तो देखो सिंपल मूविंग एवरेज, बिल्कुल आसान लफ्जों में समझा देता हूँ कि सिंपल मूविंग एवरेज होती है, जब कैलकुलेट कर रही होती है एवरेज, तो वो किस तरह से, किस तरफ से करती है, हिस्ट्री की प्राइसेस से कैलकुलेट करती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने लिखा है MA20 यानी मूविंग एवरेज 20, इसका क्या मतलब हुआ कि वो लेफ्ट साइड हिस्ट्री की प्राइस से उठाएगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 20 तक के, वो कैलकुलेट करके आपको उसकी एवरेज की बेसिस के ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर देगी। ठीक है, तो वो तो हिस्ट्री प्राइसेस से हमें करती है, लेकिन एक्सपोनेंशियल क्या करता है, एक्सपोनेंशियल आपकी जो करंट प्राइसेस होती हैं, यानी सबसे पहली जो करंट प्राइस लाइक दिस, उसके बाद फिर ये, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, तो वो राइट साइड से स्टार्ट होती है और लेफ्ट साइड की तरफ मूव होती है। तो आप मुझे एक बात समझाओ कि आपके लिए इंपॉर्टेंट कौन सा पीरियड होता है, जब आप इंट्राडे कर रहे होते हैं, जब आप स्विंग ट्रेड कर रहे होते हैं, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या चीज होती है, आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है किसी भी एनालिस्ट के लिए, जो एनालिसिस कर रहा होता है अपने अपने स्टॉक्स का, उसके लिए इंपॉर्टेंट होती है करंट प्राइसेस, करंट पीरियड की प्राइसेस इंपॉर्टेंट होती है। तो एक्सपोनेंशियल EMA इज गुड एज कंपेयर टू SMA। तो मैं जो प्रेफर करता हूँ, जो मैं जो वर्किंग करता हूँ, वो बेसिकली EMA पे ही वर्किंग करता हूँ, SMA पे नहीं वर्किंग करता, क्योंकि ये मुझे ज्यादा रिजल्ट देती है, ज्यादा अच्छे तरीके से जो है मुझे ये इंडिकेशन मिलती है। तो
तो ईएमआई बेसिकली क्या है, क्लोज, अच्छा क्लोजिंग प्राइस के बारे में मैं आपको बता दूं, दी क्लोजिंग प्राइस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ स्टॉक, ठीक है। क्लोजिंग प्राइस जो इंडिकेटर्स आप यहाँ अप्लाई कर रहे होते हो मैक्सिमम, वो डिपेंड कर रहे होते हैं क्लोजिंग प्राइस पे, तो क्लोजिंग प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये आप लोगों ने याद रखना है हमेशा कि स्टॉक की जो क्लोजिंग प्राइस होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो हम जो अपनी स्ट्रेटजी बनाने के लिए जा रहे हैं इंट्राडे के लिए, सबसे पहले इंट्राडे बनाएंगे, उसके बाद स्विंग ट्रेड बनाएंगे, तो हम जो स्ट्रेटजी बनाने के लिए जा रहे हैं, स्ट्रेटजी पे काम करने के लिए जा रहे हैं, तो वो हम करेंगे बाय यूजिंग ईएमए, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब वो किस तरीके से लगाते हैं, किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन होती है, देखो आपने घबराना नहीं है, इस वीडियो को पूरी देखना है, जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे ही तो आपको अपने स्टॉक्स का एनालिसिस करना आएगा। मैं जानता हूँ, मुझे पता चल रहा है ये वीडियो बड़ी बन रही है, लेकिन यार क्या करें, आपको मैं 5 मिनट की 2 मिनट की वीडियो बना के बेवकूफ नहीं बना सकता भाई, सीधी सीधी बात है, मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स दे रहा हूँ ताकि आप लोग अपने स्टॉक्स के ऊपर अप्लाई करो भाई, किसी इंडिपेंडेंट हो या डिपेंडेंट ना रहो, ना मेरे डिपेंडेंट रहो ना किसी गुरु के रहो डिपेंडेंट, आप तो इंडिपेंडेंट हो जाओ बस। इसी वजह से थोड़ा सा वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन आपको जो है वो 100% प्योर चीज मैं दे रहा हूँ ताकि आप जो है वो अपने स्टॉक्स पे अप्लाई करो और अपनी ट्रेडिंग को जो है वो अपने ट्रेडिंग स्टाइल चेंज करो, अपना ट्रेडिंग ही चेंज हो जाएगी आपकी इंशाल्लाह आज के बाद से। चले तो अब हम अप्लाई करते हैं टीआरजी पे ही हम अप्लाई करते हैं, पहले थोड़ा सा मैं रिमूव कर लेता हूँ ठीक है, ताकि जो है वो हो जाए, मुझे ये नहीं चाहिए, मूविंग एवरेज नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ईएमए, तो इंडिकेटर्स में गया ओके, और यहां मैंने किया ईएमए ओके, जैसे ही मैंने ईएमए लिखा देखो यहां पर आ गया मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल राइट, इस पे क्लिक कर देंगे 1 2 3 ओके जी शाइनो। तो ये कौन सी स्ट्रेटजी है हमारी, ये हमारी स्ट्रेटजी का क्या नाम है हमारी स्ट्रेटजी का, ये हम यहां मेंशन कर देते हैं, ये हमारी स्ट्रेटजी है इंट्राडे क्रॉस ओवर, इसका नाम है इंट्राडे क्रॉस ओवर ओके। तो इसमें हमने क्या करना है, पहले हमें सेटिंग करनी है ईएमए की, ईएमए की क्या सेटिंग रखनी है नोट कर लीजिए आप लोग, टाइम फ्रेम 15 मिनट्स, कोई भी स्टॉक आपको जो भी आपका अपना स्टॉक हो ठीक है वो स्टॉक टाइम फ्रेम 15 मिनट्स, और ईएमए की सेटिंग क्या होनी चाहिए, सबसे पहले ईएमए की सेटिंग होनी चाहिए 50 ओके, बाकी कोई चीजें कुछ कोई भी चीज आपको इसमें से नहीं छेड़नी है, कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर, ओके कर देंगे। उसके बाद आ जाए सेकंड के ऊपर ईएमए, सेकंड ईएमए पे होना चाहिए आपकी 200 ओके, लेंथ 200 ओके कर दें इसे। इंट्राडे में हमें तीसरी नहीं चाहिए, हमें ये दो ही चाहिए, ईएमए 50 और ईएमए 200, देखिए दो लाइंस आ गई आपके पास, ईएमए 50 की लाइन भी आ गई और ईएमए 200, ये कौन सी है जो प्राइस के साथ अटैच है, प्राइस के करीब है, वो है हमारी लेंथ जिसकी कम होती है ईएमए 50, और जो प्राइस से थोड़ी दूर है वो कौन सी है ईएमए 200 ओके ओके। अब हम देखते हैं हमारी स्ट्रेटेजी, हमारी स्ट्रेटेजी क्या कहती है हमें, हमारी स्ट्रेटेजी ये कहती है कि जब भी, हमारी स्टडी क्या कहती है, जब भी 50 EMA क्रॉस करेगी 200 EMA को फ्रॉम द डाउन साइड, तो हम क्या कहेंगे कि हमारा क्या हुआ, यहां हमारा बाय सिग्नल जनरेट हो गया, क्या हुआ जी यहां पर हमारा, यहां पर हमारा बाय सिग्नल हुआ यहां पर ठीक है, यहां पर क्या हुआ बाय सिग्नल, ये देख रहे हो जैसे ही नीचे से इसने क्रॉस किया सिग्नल जनरेट हुआ, आप देख रहे हो ये ग्रीन लाइंस बन गई, जितनी ग्रीन आपकी कैंडल्स बन गई हैं, और ग्रीन कैंडल यहां तक के बनती रही है, चलता रहा आपका साथ के साथ। तो स्ट्रेटजी क्या कहती है हमारी कि जब भी 50 EMA क्रॉस करेगी 200 EMA को फ्रॉम द डाउन टू अप, तो जब बाय का सिग्नल जनरेट होगा हमें उस वक्त बाय करना है ठीक है। अब आ जाएं और आगे, हमारी स्ट्रेटजी क्या कहती है हमसे,
जब भी 50 EMA क्रॉस करेगी फ्रॉम द अपसाइड, किसको क्रॉस करेगी? 200 EMA को क्रॉस करेगी फ्रॉम द अपसाइड क्रॉस करेगी, तो हम क्या कहते हैं, ये क्या हुआ यहां पर, यहां पर हमारा जनरेट हुआ जनाब सेल का सिग्नल जनरेट हुआ। ओके, तो सेल का सिग्नल कब जनरेट होता है? जब 50 EMA क्रॉस करे 200 EMA को फ्रॉम द अपसाइड। बाय सिग्नल कब जनरेट होता है हमारा? जब 50 EMA क्रॉस करे 200 EMA को फ्रॉम द डाउनसाइड टू द अपसाइड, तो हम क्या कहेंगे कि के पाई का सिग्नल जनरेट हुआ है। अब आप देखो, अगर फॉर एग्जांपल यहां जनरेट हुआ सिग्नल, ओके, यहां जनरेट हुआ सिग्नल, आपने यहां कोई एंट्री ली, तो आप देखो कि आपको कितना, फॉर एग्जांपल यहां आपने कोई एंट्री ली, सिग्नल जनरेट होने के बाद ही लोगे ना आप एंट्री, फॉर एग्जांपल यहां आपने कोई एंट्री ली, तो आप देखो यहां तक कि अगर आप लेते ये, ओके, कितने परसेंट हुआ? तकरीबन 12%, देख लो तकरीबन 12% आप जो है वो कैपिटल गेन करते। तो ये होगी ऑथेंटिसिटी ऑफ द सिग्नल। ये आपको मैं, आपको क्या करना है अब, आपको अपने जो जो भी स्टॉक्स है उनका बैक टेस्ट जरूर करना है। मुझ पे नहीं डिपेंड रखो भाई, मुझ पे नहीं डिपेंड करो, मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया है। अब आपने क्या करना है, अपना बैक टेस्ट करना है, अपना भी स्टॉक लो, जो भी स्टॉक है उसका बैक टेस्टिंग करो। जब बैक टेस्टिंग करोगे तो आपको पता चलेगा कि यार बैक का आप जाते जा रहे हो और आपको जो है रिजल्ट्स इसके इसके सिग्नल्स के रिजल्ट मिलते आएंगे। हम और जाके देखते हैं इसी टीआरजी के अंदर ही, हम देखते हैं कोई कहां कर रहा है क्रॉस। ये देखो यहां कर रहा है क्रॉस, बिल्कुल कर रहा है। क्या हुआ यहां पर? यहां क्रॉस किया इसने, ओके, 50 मूविंग एवरेज ने, 50 EMA ने क्रॉस किया 200 EMA को, तो हमें क्या मिला? बाय का सिग्नल मिला, हम बाय कर लेंगे। ठीक है, ये देखो ये बाय करते रहते हैं, तो ये हम ऊपर तक के चले जा सकते थे इजीली। अगर हम, अगर यहां पर भी, अगर फॉर एग्जांपल मैं यहां पर बाय कर लेता, यहां पर मैं एग्जिट हो जाता, मुझे रेड कैंडल मिलती तो मैं फौरन एग्जिट हो जाता, तो भी मुझे अच्छा खासा बेनिफिट मिलता। ओके, तो ये है गया आपका कि किस तरीके से जो है वो इंट्राडे के अंदर हम क्रॉसओवर, इंट्राडे क्रॉसओवर में जो है किस तरीके से हमें सिग्नल हमें मिलते हैं और जो है हम उसका बेनिफिट लेते हैं थ्रू ईएमए क्रॉसओवर। ओके, अब एक और बात, ये कोई नहीं बताएगा आपको, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं, इसको समझिएगा इंट्राडे वालों के लिए, स्पेशली इंट्राडे वालों के लिए, कि आप एक चीज देखो। ओके, यहां देखते हैं, थोड़ा सा हम जूम करते हैं इसको, इसको जूम करें, ओके, इसको जूम करें, इसको जूम करें। देखो एक और बहुत इंपॉर्टेंट, जब भी 50 मूविंग एवरेज, 50 EMA, ठीक है, मूविंग एवरेज जो असल में बोल बोल के जो है ना वो जबान पे बैठ ही जाता है ना, तो 50 EMA जब भी क्रॉस करेगी ग्रीन लाइन को, ये जो ग्रीन लाइन जो जनरेट होती है ना, ये जो ग्रीन लाइन जनरेट होती है, ठीक है, जब भी इसको क्रॉस करेगी, तो इसका मतलब क्या होगा, क्या होगा इसका मतलब कि यहां पर आप परचेज बाय कर सकते हो, उसके बाद आपको देखो कहां तक के बेनिफिट मिल सकता है, यहां तक इसने क्रॉस किया यहां पर, ठीक है, जैसे ही क्रॉस किया आप यहां पर बाय कर सकते थे कहीं पर, ठीक है, और बाय करते तो आपको बेनिफिट कहां पर, आप यहां पर एग्जिट हो जाते, तो आपको इतना बेनिफिट मिल जाता। तो दो स्ट्रेटेजी दे दी है इंट्राडे की इसी में। एक और पोजीशन देख लेते हैं हम, ताकि हमें समझ में आए कि यार क्या होता है इसके अंदर अगर जो है वो क्रॉस करता है। यहां पर आ जाए, हम जाते हैं थोड़ा पीछे, बैक टेस्ट करते हैं, बैक टेस्ट करें, ओके, ताकि कोई अच्छी चीज मिले तो फिर हम उससे अभेद। यहां देख लें, क्रॉस किया, जैसी ही मूविंग एवरेज ने EMA 50 ने क्रॉस किया, तो आपको ये यहां तक के मिला। ओके, ये है छोटे छोटे जो आपको जो प्रॉफिट टेकिंग के जो आपकी जो स्ट्रेटेजी होती है ना, उस वहां आप ये अप्लाई कर सकते हैं। तो दो स्ट्रेटेजी दे दी है मैंने आपको इंट्राडे के लिए, एक तो ये कि 50 EMA जब भी क्रॉस करेगी 200 EMA को अपसाइड की तरफ जाएगा,
वहां बाई सिग्नल जनरेट होगा, उसके बाद से बैड आना है, देखना है कहां तक कि आपको टारगेट मिलता है, आपने टारगेट अचीव करना है, एग्जिट हो जाना है आइटम से। और छोटे छोटे टारगेट्स के लिए आपने क्या करना है कि जहां पर भी आपको प्राइस जो हमारी कैंडल है अगर क्रॉसओवर होती है 50 EMA क्रॉसओवर होती है उसके ग्रीन कैंडल से, ग्रीन कैंडल हाँ रिमेंबर दिस, ग्रीन कैंडल एक अच्छी ग्रीन कैंडल का जब भी क्रॉसओवर बनता है तो आप क्या करोगे वहां आप एंट्री ले सकते हो और आपको एक स्मॉल प्रॉफिट आपको आप गेन कर सकते हो वहां से उसको फॉलो करके। तो ये हो गई हमारी इंट्राडे की स्ट्रेटेजी। अब हम मूव करते हैं हमारी स्विंग ट्रेड की स्ट्रेटेजी की तरफ। जी शाइनू, अब हम डिस्कस करते हैं स्विंग ट्रेड के, स्विंग ट्रेड में हमें क्या स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है। तो ये स्ट्रेटेजी जो होगी हमारी वो होगी स्विंग ट्रेड, और स्विंग ट्रेड की स्ट्रेटेजी के लिए जो हमें टाइम फ्रेम सेट करना है वो क्या सेट करना है, हमें टाइम फ्रेम सेट करना है 1 आवर का। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हमें ये स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है। अच्छा, और हमारी EMA कितनी होंगी, हमारी EMA 3 EMA होंगी हमारी, ठीक है। EMA मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, अब इसकी सेटिंग क्या होगी लिख लीजिए अपने पास, कहीं नोट कर लीजिए। 2 चीजें इंपॉर्टेंट, एक टाइम फ्रेम 1 आवर होना चाहिए, और जो EMA की सेटिंग है वो क्या होनी चाहिए। सेटिंग पे आते हैं EMA की, हम जी EMA की सेटिंग के ऊपर आए। लेंथ क्या चाहिए हमको, एक लेंथ चाहिए 9, ओके एक लेंथ 9 चाहिए जी, ये 9 हो गई। सेकेंड लेंथ क्या चाहिए हमें, सेकेंड लेंथ चाहिए हमें 21, और थर्ड लेंथ क्या क्या चाहिए हमें, थर्ड लेंथ चाहिए हमें 55। ये है 3 हमें EMA यहाँ पर इंडिकेटर्स को अप्लाई करना है, ओके। अब देखें, अब आते हैं हम कि कहाँ हमें बाय का सिग्नल जनरेट होता है, ठीक है। हम आते हैं यहाँ पर, ओके ओके, हम देखते हैं ये हमने लास्ट बाय का जो इंट्राडे का क्रॉसओवर किया था तो उसमें हुआ था। तो अब हम आते हैं यहाँ पर, ओके चल यहाँ आ जाओ, ओके इसको थोड़ा सा हम जूम करते हैं, बिल्कुल सबके लिए जूम करके। ये एरिया भी इतना मजे का नहीं है, यहाँ आते हैं बिल्कुल, ओके जी ये है एरिया, बहुत बेहतरीन एरिया स्विंग ट्रेड वालों के लिए, ओके। तो अब समझे स्विंग ट्रेड, स्विंग ट्रेड वाले शाहीन देख लें क्या हो रहा है यहाँ पर। यहाँ देखें, ये यहाँ पर हुआ कुछ क्रॉसओवर हो रहा है यहाँ पर, अरे क्या हो गया जी, ये देखें यहाँ क्रॉसओवर हुआ है, देखें नजर आ रहा है क्रॉसओवर, बिल्कुल। तो यहाँ क्या देखना है आपने स्विंग ट्रेड वालों में, क्या देखना है कि आपकी जो EMA 9 क्रॉसओवर करे EMA 21 को और EMA 55 को, तो आपने वहां पर क्या करना है, वहां पर आपने जैसे ही क्रॉसओवर करे आपने एंट्री लेनी है। जब आप एंट्री लोगे तो आप देखो क्या, अगर आप यहां पर एंट्री लेते फॉर एग्जांपल, ठीक है, एंट्री लेने के बाद क्या होता है, ये देखो यहाँ तक के बेनिफिट मिलता है आपको, और यहाँ पर आप एग्जिट कर सकते थे, और एग्जिट नहीं भी करते आप कंटिन्यू रखते इसको जी, कंटिन्यू रखते, मैं तो नहीं करूंगा, कब मैं एग्जिट करूंगा, जब ये डाउन साइड के ऊपर जो है आपको क्रॉसओवर मिलेगा, ठीक है। अभी तो अप साइड पे क्रॉसओवर मिल रहा है, जब हमें डाउन साइड पे क्रॉसओवर मिलेगा तो हम क्या करेंगे, हम जो है वो फिर एग्जिट करेंगे, लेकिन अभी हमें डाउन साइड पे मिला ही नहीं है, अप साइड पे जा रहा है। देखो स्विंग ट्रेड हो रहा है, स्विंग ट्रेड बिल्कुल, देखो कहीं पर भी नहीं हमें मिला, यहां मिला हमको क्रॉसओवर, यहां मिला। तो जैसे ही 9 EMA 9 जैसे ही क्रॉस करेगी फ्रॉम द अप साइड टू द डाउन साइड एनी ऑफ द EMA 21 और 55, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने एग्जिट कर देना है, आपने सेल कर देना है, या आपके डिपेंड करता है, देखो आप पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ एग्जिट करते हो, कहाँ आपको अच्छा लगता है कि यार मैं यहाँ पर एग्जिट कर जाऊं, मेरा स्टॉप लॉस ना हिट हो जाए कहीं, तो आप स्टॉप लॉस की बेसिस के ऊपर जो है आप इसको जो है वो आप ले सकते हो, और इतना ही आप कैपिटल को गेन कर सकते हो। तो ये एक तो पॉइंट मैंने बताया, यहाँ से यहाँ बाय का सिग्नल जनरेट हुआ, और देखते हैं
देखो यहाँ देख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है किसी को, ये आया और यहाँ क्रॉस ओवर किया। वाह वाह वाह, बेहतरीन बेहतरीन क्रॉस ओवर। जैसे ही क्रॉस ओवर किया आपने एंट्री लिया, यहाँ तक कि आपको प्रॉफिट भी हुआ, जैसे ही आपको रेड कैंडल मिली आप एग्जिट कर सकते हो। तो आप देखो आराम से इजीली जो है आप यहाँ पर 8 तारीख को एंटर होते और 9 को बाहर आ जाते, राइट? 8 फेब को एंटर होते, 9 को बाहर आ जाते। कितना बेहतरीन आपको जो है क्रॉस ओवर मिल रहा है, बिल्कुल सेम यहाँ पर। और आ गया है, और देखते हैं, और बैक टेस्ट करते हैं ना। बैक टेस्ट करने में क्या जा रहा है, हमारे पैसे थोड़ी लग रहे हैं बैक टेस्ट करने में, तो हम बैक टेस्ट करते हैं। यहाँ देखो वाओ, कितना बेहतरीन मिला आपको यहाँ पर टारगेट, कि यहाँ क्रॉस ओवर किया 9 EMA ने, 21 EMA और 55 EMA को क्रॉस ओवर किया। और एक और बात, बड़ी पते की बात और स्ट्रेटेजी को मैंने एग्जैक्टली टेस्ट करना है कि यार ये ओके है या नहीं है। आप ये देखो, तीनों लाइनें तीनों एवरेज सीक्वेंस में आ जाएंगी जब भी क्रॉस, इस तरह का क्रॉस ओवर मिलेगा। देखो ये कौन सी है, 9 EMA है, ये कौन सी है 21 EMA है, ये कौन सी है, ये 55 EMA। तीनों सीक्वेंस में आ जाएगी, अपनी सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में इसको होना चाहिए। तो आपको बाय का सिग्नल मिलेगा। अगर यहाँ पर आप बाय करते 24 दिसंबर को, आप छोड़ देते जी, यहाँ आते 28 को, फिर 28 को भी छोड़ देते, चलो यहाँ आप सेल कर देते कहीं, तो आप 30 दिसंबर को सेल कर देते। तो आपको ये पूरा यहाँ से लेके, अगर आप यहाँ कहीं एंट्री करते फॉर एग्जाम्पल, ये क्रॉस ओवर करने का, चलो यहाँ कहीं एंट्री करते, तो आप सोचो कि आपको इतना तो मिलता, कम से कम भी 17-18%। यार बहुत होता है माशाल्लाह, 17-18% अगर आपको प्रॉफिट मिल जाए, वाओ। तो आप देख लो कि स्ट्रैटेजीज को फॉलो करने में कितना बेनिफिट होता है। ये दोनों मैंने आपको स्ट्रैटेजीज बता दी हैं और इंशाल्लाह आप लोगों को समझ में आ गई होगी। वीडियो थोड़ी लंबी बन गई है, लेकिन देखें मैंने कहा ना आपको कि बेसिक कॉन्सेप्ट देना है, हमारा पर्पस है कि आपको कॉन्सेप्ट एजुकेट करें, आपको बताएं कि किस तरीके से आप अपने स्टॉक्स के ऊपर जो है वो प्ले कर सकते हो। और स्टॉक्स के ऊपर प्ले नहीं करना है, जस्ट आपने एक्चुअल ट्रेडिंग में जब आप इसको इम्प्लीमेंट करोगे तो आपको क्या इसका बेनिफिट मिलेगा। लेकिन बिफोर इम्प्लीमेंटिंग इट आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने अपने स्टॉक्स का बैक टेस्ट करना है, बैक जाना है, बैक जाके उसकी टेस्टिंग करनी है, देखना है कहाँ कहाँ ये वाकई में जो स्ट्रेटेजी मैं आपको जो दे रहा हूँ वो इम्प्लीमेंट हो रही है या नहीं हो रही, वो स्ट्रेटेजी सक्सेसफुल है या नहीं है। अब आपने इसको जो है टेस्ट करने के बाद फिर अप्लाई करना है अपनी ट्रेडिंग के अंदर। इंशाल्लाह आज के बाद से जो है आप लोगों का मुझे मुझे यकीन है पूरा कि आप लोगों का ट्रेडिंग स्टाइल चेंज हो जाएगा और आप लोग माशाल्लाह से जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाओगे अपनी ट्रेडिंग करने में और स्ट्रेटजीज को फॉलो करोगे। और इन द लास्ट, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो काइंडली इसको लाइक करें और मैक्सिमम इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, PSX के फ्रेंड्स के साथ, ताकि लोगों को प्योर नॉलेज मिले। देसी नॉलेज बोलते हैं, देसी नॉलेज है बिल्कुल, ये ऐसी नॉलेज जो आपको कहीं नहीं मिलती और लोग सिर्फ और सिर्फ आपको कर करा के ये देखो ऐसा हो गया वैसा हो गया और जो है ना ये आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, और ये वाला स्टॉक के ऊपर ऐसे कर लो, ये वाले स्टॉक के ऊपर इस तरह से कर दो, और आपको क्या करते हैं बेसिकली आपको घुमा फिरा के स्टॉक्स बता देते हैं, उसकी टारगेट प्राइस बता देते हैं। भाई क्यों क्यों लेनी है आपने स्टॉक के स्टॉक्स किसी से और टारगेट प्राइस? आपने मंडे ट्रेडिंग करनी है, संडे पूरा दिन लगाओ यार इसके ऊपर, बैठो इसके ऊपर। आप अपने, अब तो आपको चीजें मिल गई, आपको स्ट्रेटेजी, सारी स्ट्रेटेजीज आपके हाथ में आ चुकी हैं, तो स्ट्रेटेजीज को देखो, स्टॉक्स पे अप्लाई करो। तो अब मीर को इजाजत दीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। सलाम वालेकुम।